अगर ये हर एक चीज आपकी कॉपी में है, देन यू हैव डन समथिंग अमेजिंग वर्क। अगर पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो 10 दिन मत पढ़ो। तो चार चार पांच पांच दिन में पढ़ता ही नहीं था। तो पहली चीज हमने क्या बोली, सब लोग साथ में बोलेंगे प्लीज, बोर्ड परसेंटेज, सब लोगों के होठ हिलते हुए दिखने चाहिए मुझे, जोर से बोलेंगे सब लोग, क्या बोला? अब पिक्टोग्राफी कंटेंट का मतलब क्या है? फ्लो चार्ट से, टेबल शेप्स, बुलेट पॉइंट्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। अगर ये हर एक चीज आपकी कॉपी में है, देन यू हैव डन समथिंग अमेजिंग वर्क एंड यू कैन एक्सपेक्ट मोर देन योर नॉलेज। समझ में आ रही है बात? ये सेकंड पॉइंट बोलिए, समझ में आता है? ये आखिर के टाइम में सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करना है, उसी के क्वेश्चन देखने हैं, उसमें क्या दिया हुआ है वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। थर्ड पॉइंट, कॉपी डेकोरेशन कैसे होगा? वाया पिक्टोग्राफिक कंटेंट, और तो कोई रास्ता नहीं है उसके अलावा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑन एग्जाम डे ओनली, है ना, ऐसा नहीं है कि तुम लोग हमेशा के लिए उसको बोल दो कि तुम उसे दिखना, मतलब चाकू वाकू मार दूंगा देर को, ऐसा मत करना भाई एग्जाम डे। और उसमें भी आपको वो डिस्कस नहीं करना है जो एग्जाम से रिलेटेड है, बाकी सब आप डिस्कस कर ही सकते हो ऑब्वियसली। नेक्स्ट वन, इस लाइन का मतलब ये कि पढ़ने का नाटक मत करो। पेरेंट्स ने बोला कि तू पढ़ता नहीं है, किताब लेके बैठ गए, पेरेंट्स गए किताब फेंक दी, आप खुद किताब के ऊपर बैठ गए, बोले भाड़ में जाओ। तो शो ऑफ नहीं होना चाहिए जिंदगी में, जो आप हैं वो आप होने चाहिए, शो ऑफ नहीं होना चाहिए। व्हाट यू आर दैट्स इट। डर से अगर आप कोई काम करोगे तो कुछ महान थोड़ा ना कर पाओगे कभी, उसमें कभी नहीं कर पाओगे, मन ही नहीं है आपका उसमें। अगर पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो 10 दिन मत पढ़ो, बट जब हो रहा है ना तब पूरी शिद्दत से पढ़ो। इवन मैं जब प्री मेडिकल की तैयारी कर रहा था तो चार चार पांच पांच दिन में पढ़ता ही नहीं था। कई बार ऐसा टाइम आता है, ये नहीं है कि हफ्ते के चार पांच दिन ही नहीं पढ़ता था उसके बाद हर एक हफ्ते में ऐसा ही करता था, नहीं ऐसा ही बात नहीं है, बट मैं बहुत ऐसा होता था कि मैं नहीं पढ़ता था, बट जब मैं पढ़ता था तो मैं पूरी शिद्दत से पढ़ता था। तो ये आप में एटीट्यूड होना चाहिए, आप ये नहीं कि आप जब भी बैठे हो टाइम पास कर रहे हो, जब भी बैठे हो टाइम पास कर रहे हो। तो शो ऑफ नहीं होना चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए, आप जो चीज कर रहे हैं आप उसमें होने चाहिए 100%, वरना कोई मतलब नहीं है। अगला पॉइंट बोलिए, और इसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात को जग के पढ़ते हैं, 12 बजे के बाद पढ़ने वाले, रेज योर हैंड्स। कब तक पढ़ते हैं उसमें, 4 बजे से पहले सो जाते हैं कि उसके बाद सोते हैं? हाँ, तो कोशिश करिए, अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो बेटर ये होगा कि आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव आपके एग्जाम के टाइम पर ही होना चाहिए, और इसका बहुत फर्क पड़ता है एग्जाम में। टाइम पर सोने की कोशिश करिए, जैसे जैसे इंसान को लेट नींद आने लगती है उसकी जिंदगी की समस्याएं बढ़ने लगती है। जो जल्दी सोता है उनकी जिंदगी में कम समस्याएं होती है, ये आपको बाद में फील होगा जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला। खैर आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीविंग इट, है ना। अपने को ऐसा नहीं कि उसको कॉपी फेंक दिया, उसका सिगरेट जला के आ रहे, धुआं छोड़ते, भले बच्चों के काम है, अपन नहीं करते सब, बैठना है वहां पे, है ना। आगे देखो, ये करने ही करने हैं हर एक को, और इसमें ध्यान रखना है कि टर्म वन का ना हो। कर रहे हैं क्वेश्चन, रट लिया है, बोले यार तो टर्म वन में था यार, अभी ध्यान चला 2 घंटे पहले, एग्जाम कब है? 11 बजे, तेरे को कब ध्यान चला? 9:30 बजे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, है ना। यू मस्ट नो कि हमारा सिलेबस क्या है, ये चीज तो कम से कम सबको पता हो। नेक्स्ट वन क्या है? कॉपी डांस। अब आंसर में इनोवेशन कैसे लाओगे आप लोग? सर इनोवेशन के लिए तो हम उसमें 56 मेगापिक्सल का कैमरा लगा देंगे, हाँ ड्यूल कैमरा लगा देंगे, सेल्फी अच्छी आएगी। नो, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द पिक्टोग्राफिक कंटेंट। अल्टीमेटली कंटेंट वही है, परोसने का तरीका बदल गया है ना, आपने उसको सिजलर कर दिया है, सिजलर।
क्या होते हैं सिलेंडर्स, कुछ ऐसी सब्जी उब्जी होती है ना, मतलब जिसमें वो धुआं हुआ उठता रहता है, फिर वो लोग लेके आते हैं, नहीं पता क्या? मतलब मुझे सिर्फ सुना है मैंने, ऐसा कुछ होता है। हाँ कोई कुछ बता रहा है? यस प्लीज, नो वन? आप लोग भी पूछ रहे हो? ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में? डॉग विल नेवर किल यू, बट डॉग माइंडसेट विल किल यू। किल करने का मतलब है आपके ड्रीम्स खत्म हो जाएंगे, तो आप भी क्या ही करोगे जी के। एक बहुत फेमस किताब है विक्टर फ्रेंकल की, किताब का नाम है मैन सर्च ऑफ मीनिंग। इंसान जो है अपनी जिंदगी में ये सर्च कर रहा है कि उसका मकसद क्या है। उसने किताब तब लिखी जब वो कंसंट्रेशन कैंप्स में था, हिटलर की सेना उसे यातनाएं दे रही थी। हर एक इंसान उसके कैंप में आए दिन उसके सामने लोग मरते थे, लेकिन वो नहीं मरा, वो जिंदा रहा। उसने वो सब पूरा किया जो उसने उस किताब में लिखा था कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। उसके बाद उसने कहा कि मैं जिंदा इसलिए रह पाया क्योंकि मेरे सपने जिंदा थे।